भैया मित्तल जी, आप बहुत कुछ अपना बिगाड़ चुके हैं। ये तो उन सनातनियों की, उन हिंदुओं की, उन श्याम प्रेमियों की एकता है, हिम्मत है, जिन्होंने आपको बैकफुट पर लाकर छोड़ दिया। ठीक कारण, जब आपकी हालत पतली हुई, जब आपको लोगों ने लगातार ट्रोल किया, आपके ऊपर कमेंट किए, आपको जयचंद तक कहा गया, आपको गद्दार तक कहा गया, आपके पहुंचने लगे, उनको लोग अनसब्सक्राइब करने लगे, उनको अनफॉलो करने लगे, तो उनको बैकफुट पे आना ही था। और ये सनातन की जीत है, ये हिंदुओं की जीत है, और उन श्याम प्रेमियों की जीत है जिन्होंने इस बैकफुट पे आने के लिए उनको मजबूर कर दिया। दो दिन में उनकी हालत वो कर दी कि कांग्रेस में जाना और सनातन की सेवा करना तो छोड़िए, अपनी हालत बचानी भी कन्हैया मित्तल को भारी पड़ गई। और नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। अभी हमने दो दिन पहले एक ऐसी खबर दिखाई थी आपको जिससे काफी लोग आहत थे, और वो थी कन्हैया मित्तल की खबर। जी हाँ, कन्हैया मित्तल ने यह अनाउंस किया था, यह अपने मन की बात रखी थी मेहंदीपुर बालाजी से, कि वहां पे जो वो मेहंदीपुर बालाजी में अपना एक प्रोग्राम करने गए थे, तो वहां पे उन्होंने अपने मन की बात लोगों के सामने रखी थी अपने एक वीडियो को शेयर करके। उन्होंने अपने फेसबुक आईडी पे यह वीडियो शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा मन कांग्रेस में जाने का कर रहा है और मैं वहां से अपने सनातन की सेवा करना चाहता हूं, मगर ये आधी अधूरी सच्चाई है। अब वो काफी हद तक साफ हो चुका है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि यह आधी अधूरी सच्चाई है और उनका मन कांग्रेस में जाने का नहीं है, वहां से सनातन की सेवा करने का नहीं है, उनका मन कांग्रेस से टिकट लेने का था, क्योंकि बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। बीजेपी में वो पहले से भी शामिल हो चुके थे, बहुत पहले से वो बीजेपी में हैं और बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किया है उन्होंने, उन्होंने सनातन की बात की है। मगर इस समय जिस तरीके से सनातनी लोगों ने, श्याम प्रेमियों ने, हिंदुत्व ने के लोगों ने लगातार उनका बहिष्कार किया है, उनके इस स्टेटमेंट के बाद उनको बैकफुट पर लाके छोड़ दिया है, और आज उनको झुकना पड़ा, आज उनको एक कहना पड़ा कि मैं उनसे माफी चाहता हूं जिसको भी मेरी इन बातों से आहत पहुंची है। क्यों? क्योंकि मैं उन सभी से माफी चाहता हूं जो सनातनी हैं, जो श्याम प्रेमी हैं। और इसके पीछे इतना छोटा रीजन नहीं है, बहुत बड़े रीजन हैं। इसके पीछे दो रीजन निकल के सामने आ रहे हैं। एक कि उनको जो सनातनी हैं, जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, जो श्याम प्रेमी हैं, उन्होंने ऐसी जगह लाके छोड़ दिया, इतने कमेंट, इतने गंदे गंदे कमेंट, इस तरीके से उनको लताड़ा है उनके फेसबुक आईडी पे, यूट्यूब पे, और काफी बड़ी संख्या में हजारों लोगों ने उनको इस दो दिन में उनके चैनल को, उनके फेसबुक आईडी को अनसब्सक्राइब किया है। इससे उनकी हिम्मत टूट गई कि मेरा क्या होगा, और उन्होंने पंचकुला से बीजेपी से टिकट मांगा था, उनको नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में जाने का मन बनाया। इसके पीछे और कोई कारण नहीं था, कारण यही था, और इसी के लिए लोगों ने उनको जमकर लताड़ा है, झाड़ा है। और अब उनके लिए इस समय करो या मरो की स्थिति आ गई थी। अगर वो ऐसा कदम नहीं उठाते, अपना ये स्टेटमेंट वापस नहीं लेते, तो उनकी हालत और बुरी होने वाली थी। क्योंकि जय श्री राम, पिछले दो दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। दो दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें, और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।
बड़े बड़े मंडलों ने, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो बड़े बड़े श्याम प्रेमी हैं, जिनके कीर्तन में वो जाते हैं, उन्होंने साफ मना किया था कि हम कन्हैया मित्तल को आज के बाद नहीं बुलाएंगे। और उन्होंने गद्दारी की है सनातनियों के साथ। जो राम की बात करता था, जो सनातन की बात करता था, वो आज अपने समाज को, अपने धर्म को कैसे बदनाम कर सकता है? ऐसे व्यक्ति को हम किसी भी कीमत पे माफ नहीं करेंगे और उसके साथ हम नहीं जाएंगे। ये कन्हैया मित्तल के लोगों के स्टेटमेंट थे। उनकी फेसबुक आईडी पे आप जाके देखिए, उनके जो यूट्यूब है उस पर जाके देखिए। और इसमें एक अहम भूमिका निभाने वाले मनोज तिवारी भी जी हैं। जी हाँ, सांसद मनोज तिवारी के घर पे आज वो 10 तारीख को 2 से 3 बजे पहुंचते हैं, वहां बातचीत होती है और उसके बाद वो स्टेटमेंट जारी करते हैं, वहां से फोटो जारी करते हैं कि मैं बीजेपी में ही हूं, मैं फिलहाल कांग्रेस में नहीं जा रहा, मेरा ऐसा कोई मन नहीं है और मैं अपने उस स्टेटमेंट को वापस देता हूं। मैं माफी मांगता हूं उन सबसे जिनको मेरे इस स्टेटमेंट से, इस वीडियो से दुख पहुंचा है, जिनको मैंने आहत किया है। मगर कन्हैया मित्तल जी, आप बहुत कुछ अपना बिगाड़ चुके हैं। यह तो उन सनातनियों की, उन हिंदू की, उन श्याम प्रेमियों की एकता है, हिम्मत है, जिन्होंने आपको बैकफुट पर लाकर छोड़ दिया। वरना आप तो टिकट के लिए दूसरी जगह जा रहे थे, इसी कारण आप कांग्रेस में गए थे। वरना कांग्रेस ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिसको आप गिना सके। यह सब टिकट के लिए आपने किया था। और इसी कारण जब आपकी हालत पतली हुई, जब आपको लोगों ने लगातार ट्रोल किया, आपके ऊपर कमेंट किए, आपको जयचंद तक कहा गया, आपको गद्दार तक कहा गया, आपके उस फेसबुक आईडी में कमेंट बॉक्स में जाके देखिए, आप भी देखिए और लोग भी देखें, लगातार जब ऐसे उनको मैसेज पहुंचने लगे, उनको लोग अनसब्सक्राइब करने लगे, उनको अनफॉलो करने लगे, तो उनको बैकफुट पे आना ही था। और यह सनातन की जीत है, यह हिंदुओं की जीत है और उन श्याम प्रेमियों की जीत है जिन्होंने इस बैकफुट पे आने के लिए उनको मजबूर कर दिया। 2 दिन में उनकी हालत वो कर दी कि कांग्रेस में जाना और सनातन की सेवा करना तो छोड़िए, अपनी हालत बचानी भी कन्हैया मित्तल को भारी पड़ गई। और इसी कारण कन्हैया मित्तल अपने आप को बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए, अपनी जो एक इमेज उन्होंने खड़ी की है इतने लंबे समय में, वो बचाने के लिए उनको आज सांसद मनोज तिवारी से भी बात करनी पड़ी। सांसद मनोज तिवारी के घर वो पहुंचे, वहां बातचीत हुई, मान मनोवल हुआ। उसके बाद जाके अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं फिलहाल कहीं नहीं जा रहा, मैं अपना ये स्टेटमेंट वापस ले रहा हूं। मगर इतना छिछल इधर होने के बाद, इतना हो हल्ला होने के बाद, इतनी बेइज्जती कराने के बाद, आखिर आपको ये बुद्धि कैसे आई? यह आपको पहले क्यों नहीं सूझा? कहीं ना कहीं आपके ऊपर टिकट का और नेता बनने का बुखार सा, यह जो आपके ऊपर बुखार चढ़ा हुआ था, इसी कारण आपने यहां पे इतने बड़े डिसीजन लिए और जिसके कारण आपको बैकफुट पे आना पड़ा। लोगों की एकता देख के, अपना डूबता हुआ करियर देख के, आपको वापस आना ही पड़ा। क्योंकि नेता बनेंगे नहीं बनेंगे तो बात की बात है, और वो भी कांग्रेस के टिकट पे, तो आपकी इमेज वैसे भी डाउन हो जाती। मगर आप जो इस समय श्याम प्रेमी हैं, श्याम जगत के सबसे बड़े सिंगरों में एक हैं, यह इमेज आपके 100% डूबती थी और डूब रही थी, इसीलिए आपको अपने आप को बचाने के लिए आना पड़ा और इन श्याम प्रेमी और हिंदुओं के आगे आपको झुकने पड़ा और आपको घुटने टेकने पड़े। यह आपने इतने आराम से नहीं किया, यह इन लोगों की एकता ने आपको कराया है। इन लोगों ने आपको जिस तरीके से बैकफुट पर लाकर पटक दिया है, उसके बाद आप जागे हैं, आपको लगा कि अब नहीं तो कभी नहीं, इसीलिए आप आए। सांसद मनोज तिवारी ने आपकी हेल्प की, क्योंकि वो आपको अपना छोटा भाई कहते हैं, आप उनको बड़ा भाई कहते हैं, आप उनको गुरु भी कहते हैं, आप उनके उनको अपना बहुत कुछ मानते हैं, बहुत अच्छे संबंध है, इसीलिए आपको एक तिनका दिखा डूबते हुए तो आपने सांसद मनोज तिवारी को पकड़ा, इसीलिए आप वहां पहुंचे, बात हुई, मान मनोवल हुआ और उसके बाद आपने ये डिसीजन लिया, आपने अपना स्टेटमेंट वापस लिया और आपने ये कहा कि मैं सनातनी हूं, जिसको भी मेरी बात से दुख पहुंचा है मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, मैं कहीं भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता था, छोटा हूं, गलती परिवार के किसी अगर व्यक्ति से होती है तो उसको माफ कर देना चाहिए, ये तक आपको बोलना पड़ा। और यह उन सभी श्याम प्रेमियों और हिंदुओं की, सनातनियों की एकता का नतीजा है कि आपको 2 दिन में ही दिन में तारे नजर आ गए। और हम उन सभी को बधाई देंगे जिन्होंने लगातार आपको एक के बाद एक
ट्रोल किया और आपको आपको ये बताया कि अगर आपको हम बना सकते हैं, आप जो भी हैं वो हमारे दम पे हैं, तो आपको हम बिगाड़ भी सकते हैं। और दो दिन में जिस तरीके से उन्होंने आपको अनफॉलो किया है, अनसब्सक्राइब किया है, आपको कमेंट किए हैं, आपको ऊटपटांग बोला है, आपके ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं जो अच्छा अच्छा व्यक्ति नहीं सुन सकता, तभी आप इस समय घुटने पे आए हैं। यह आपने क्षमा नहीं मांगी है, यह आपको बुद्धि नहीं आई है, यह आपको आपको दिन में तय नजर दिखा दिए गए हैं, दिन में तय नजर आ गए हैं उन लोगों के द्वारा, उन सनातनियों के द्वारा, उन श्याम प्रेमियों के द्वारा, इसलिए आपको बैकफुट पे आना ही पड़ा। अब टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी तो बात की बात है, मगर हाँ, जो बची कुची इज्जत है वो आपके साथ बच जाए, मगर जो आप अपनी इमेज बिगाड़ चुके हैं वो तो शायद ही आप दोबारा कभी रिकवर कर पाए, शायद ही बना पाए, क्योंकि इतनी अच्छी इमेज आपने दो दिन में सिर्फ ये कह के कि मैं कांग्रेस में शामिल होना चाहता हूं, मेरा मन करता है, मेरा मन का ये भाव है, मेरी मन की बात है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हैं कि आपके मन की बात लोग इतने प्यार से मान लेंगे। मन की बात आपकी इतनी भारी पड़ गई कि आप आज अपना भारी मन लेके लगातार इधर से उधर भटक रहे थे, और इसी कारण आज आपको दोबारा आना पड़ा, ये कहना पड़ा मैं बीजेपी में था, मैं सनातनी हूं और मैं अपना ये स्टेटमेंट वापस ले रहा हूं, मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा। यह आपकी बहुत बड़ी गलती थी जो आपको फ्यूचर में बहुत कुछ दिखाएगी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, मगर देखते हैं आगे क्या होता है, टिकट मिलती है नहीं मिलती, या आपकी इमेज दोबारा डेवलप होती है नहीं होती, ये तो वक्त बताएगा। मगर आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो भी स्टेटमेंट अब दी है, शायद इससे आप कुछ हद तक अपने आप को रिकवर कर पाए। एनभार टीवी दिल्ली।